मेरे बच्चों ने मेरे को कॉल किया, मेरी शॉप चौक पे शॉप है 804 मेरा है, संजय सिंह नाम है। जब आया यहाँ पर पूरी आग लग चुकी थी, फायर ब्रिगेड वाले मेरे बाद आए, तुरंत फिर पानी उन्होंने डाला, लेकिन सोसाइटी का कोई भी मेम्बर जो है, मेम्बर मिस फ्लैट के लोग थे, लेकिन स्टाफ लोग कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर 401 में अमित तुलस्यान है, वो साथ वाला मेरा है, वो बेचारा जाके पाइप ले लेके दौड़ा, फिर मैं भी उसके साथ गया। और वो अपार्टमेंट है आपका इसमें 804 है। हाँ, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आग से बुझाने को लेकर के? आपको व्यवस्था सब कोई काम नहीं किया है। राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता जी के फ्लैट में व्यापारी है ये? हाँ, ये व्यापारी जी हैं। हाँ, वो व्यापारी है। पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम योगेश सोनावाला है। किस फ्लैट में रहते हैं आप? हमारा फ्लैट नहीं, हमारा ननिहाल है ये। अच्छा, जब लोग फंसे हुए थे, बड़े बुजुर्ग लोग 80 साल के वो जेंट्स हैं और 75 साल की लेडीज हैं, वो हमें कॉल आई कि वो हम लोग उठ नहीं सकते, वो बताइए इतनी इमरजेंसी में वो कैसे निकालेंगे उनको? आप लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया है, हाँ, तो जो सुरक्षा के मानक है वो है या नहीं? 0% है, 0% जीरो है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत पहले की थी कभी? कभी कोई आग लगी नहीं, तो फर्स्ट टाइम हुआ है, बार बार थोड़ी ना कोई ये चीज़ होती है। मैं फ्लैट लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि सारी सिक्योरिटी मिलेगी, मकान छोड़ के फ्लैट में आता हूँ, इससे अच्छा था हमारा पक्का माहौल। दोषी कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? फ्लैट मालिक की है। फ्लैट कौन है? अरे ये मतलब ये बिल्डर की है पूरी। फ्लैट मालिक की किसी जिम्मेदारी? अरे मतलब बिल्डर की है, ये बिल्डर की है, बिल्डर की है, गार्ड की है। आप 24 घंटा गार्ड लगा रहे हो। सुन लीजिए, छत का जो होता है, छत का जो दरवाजा, वो हमेशा लॉक कर देते हैं। हम पूछते क्यों लॉक करते हो? कहते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। आज छत खुला था, सारे लोग ऊपर चले गए होते छत पर, उन्होंने पूरी छत पूरा छत लॉक किया था। फायर ब्रिगेड वालों ने छत का दरवाजा तोड़ा है। और फिर मैं फायर ब्रिगेड, फायर का जो होता है वो जिसमें आग बुझाने के लिए होता है, उसको कंधे पर लेकर गया, पूरे सीढ़ी का शीशा मैंने तोड़ा है लाइट दिखा के, फायर ब्रिगेड वालों के साथ जाकर, तब जाके वेंटिलेशन हुआ है। यहाँ पर जो आग लगी है, 4th फ्लोर के एक फ्लैट में एसी में आग लगने से, उसके सिलेंडर फटने से आग लगी है। उसको ऑलरेडी हमने काबू में पा लिया है। सिर्फ एक रूम में अभी फायर ब्रिगेड के लोग, फायर फाइटर्स लगे हुए हैं उसको बुझाने में, फायर स्प्रेड आउट नहीं कर रही हैं अभी। कितने लोग फंसे हुए थे निकाल, मतलब हल्ला ये उड़ा था कि कई लोग फंसे हुए थे, जान माल को क्षति पहुंचा है, वो तस्वीरें क्या है? मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि मात्र 10 से 15 लोग अभी बिल्डिंग में हैं, लेकिन वो लोग सेफ डिस्टेंस पे, सेफ फ्लोर पर, कुछ लोग छत पर, कुछ ऊपरी फ्लोर पर हैं, 4th फ्लोर से बहुत दूर हैं। 4th फ्लोर मैंने खुद अभी विजिट किया है, कोई भी 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पर नहीं है। स्टेयरकेस में धुआं भर जाने की वजह से अभी वो लोग नीचे नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग अभी सारे रिसोर्सेज जो एक कमरे में आग लगी है उसको बुझाने पे लगाए हुए हैं। जैसे ही हमारा धुआं सबसाइड हो जाएगा, हमने कुछ विंडोज़ वगैरह भी बिल्डिंग में तोड़े हैं जिससे धुआं बाहर जा रहा है, जैसे ही धुआं बाहर चला जाएगा तो वो लोग आराम से नीचे आ सकते हैं स्टेयरकेस से ही। फाइनली हमारे पास फायर ब्रिगेड्स भी हैं जो हम लोग उनको ऊपरी फ्लोर से भी हम लोग उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। सर, आपने विजिट किया है तो क्या देखा है कि सुरक्षा के जो मानक है वो थे या नहीं थे बिल्डिंग में? जो मैं प्रथम दृष्टया देख पाया, यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगा हुआ है। बाकी मुख्य अग्निशमन अधिकारी ही इसके लिए बता सकेंगे कि वो किस तरह का सिस्टम, अपना खुद का फायर ब्रिगेड सिस्टम और जो बिल्डिंग का सिस्टम है वो कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना देख पा रहा था कि जो बिल्डिंग के जो पाइप्स हैं वो ज़रूर काफ़ी जगह इतर बितर हैं और उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये कहा गया कि लापरवाही है इस बिल्डिंग में? नहीं, ये मतलब आप ये कैसे निकाल पा रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने अभी आपको एकदम स्पष्ट कहा है और एक ही रास्ता कैसे दिया गया 11th फ्लोर पे और कैसे नक्शा पास हो गया। देखिए, इतना मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर एक स्टेयरकेस है और एक लिफ्ट भी लगी हुई है यहाँ पर जो आप बता रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक फायर का मामला था तो इसके लिए ऑफ कोर्स एक जांच भी होगी। लगभग हमारे पास 9 बजे सूचना आई थी कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आग लगने की सूचना आई थी। तत्काल हम लोगों ने थाना की फोर्स और जो हमारी फायर सेफ्टी जो सर्विसेज हैं उनको तत्काल अलर्ट किया, मौके पे पहुँचे। मौके पे हमारी 4 गाड़ियाँ बड़ी वाली खड़ी हो गई थी और ये बड़ी वाली जो हम लोग की फायर सेफ्टी की गाड़ी है जिससे हम लोग जो आखिरी फ्लोर है 10th फ्लोर तक, वहाँ तक हमारी गाड़ी की जो ऑपरेशन था वहाँ तक हम लोगों ने फायर सेफ्टी की सारी इक्विपमेंट्स वहाँ तक पानी से बुझाने की पूरी कोशिश की गई। लगभग हम लोगों को 1.5-2 घंटे लग गए फायर बुझाते बुझाते। लेकिन सबसे पहला हम लोगों का जो काम था रेस्क्यू करने का, जो 4th फ्लोर पे आग लगी थी वहाँ से ऑलरेडी पहले लोग खुद से भी रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन जो 5th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे थे उनको भी अपनी फोर्स के द्वारा नीचे लाया गया। वहाँ पे कुछ सिलेंडर्स भी थे, वहाँ पे हमारे CFO साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने सिलेंडर्स बेसिकली जितने भी थे वहाँ पे गरम गरम अपने हाथों से स्वयं इन्होंने बाहर निकाले अपनी फोर्स के साथ में। लड़कों ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके बाद में हमारे टॉप फ्लोर पे 14 लड़के लगभग फंसे हुए थे, 14 लोग जो अपार्टमेंट्स के
हैं वो फंसे हुए थे, लेकिन हम लोगों के जो 15-16 सिपाही हमारे भी सब इंस्पेक्टर्स कुछ ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे। जैसे भी हम लोगों को लग रहा था कि जितना जो धुआं है वो सारा निकल जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा पूरी बिल्डिंग से, तो जैसे ही वो एक्सहेल हुआ हम लोगों की जो मशीन है जो फायर सेफ्टी की और अपने सिपाहियों के थ्रू सबको सेफली रेस्क्यू किया गया। अभी तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी लाइफ को लेकर। सर प्राथमिक दृष्टि क्या लगा कारण इसका आग लगने का? देखिए अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई एसी का भी कारण बता रहा है, तो इसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी टीम आई थी, अपनी पुलिस की तरफ से भी टीम गई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इसमें बनेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक आया है वो एसी का कारण बता रहे हैं। सर इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, सुरक्षा के कोई मानक जो होते हैं वो क्या देखने को मिली प्रथम दृष्टया? देखिए जो बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पे जो ग्राउंड बेसमेंट में भी जो फायर सेफ्टी की जो चीज़ें हैं और साइड में जो फायर सेफ्टी, हमने खैर रास्ते में ये भी देखा था कुछ सिलेंडर्स भी थे फायर सेफ्टी के, तो प्रथम दृष्टया तो दिख रहे थे, लेकिन अगर जो भी अगर कुछ नहीं भी पाए गए जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं भी हैं तो बाद में जाँच होगी उसमें क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें।